सियासत व्यापार धर्म ते फिल्म जगत दे नाल हुण कैनेडा ते अमेरिका दी हर वट्टी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बेजुबान जानवरों ते पक्षियों की सेवा करने वाले प्रदीप कुमार उर्फ छोटू आज मेरे नाल ने जिहड़े पिछले 50 साल तो बेजुबान जानवर जिहड़े कि किसी ना किसी तरह हादसा ग्रस्त हो जाते हैं उन्हां दे अंग जिहड़े कट्टे जाते हैं किसी हालात दे विच उन्हां कोल पहुँचते हैं ये उन्हां दी मरम पट्टी करते हैं उन्हां नूं रखते हैं अपने कोल उन्हां दा सहारा बनते हैं तो कोशिश करते हैं कि वापस उड़ सकन। हालांकि जे कोई जानवर इहोजिहा इन्हां दे कोल पहुँच जाता है जिहड़ा हुण दुबारा नकारा हो जाता उड़ नहीं सकता है उसकी उसनों अपने कोल रखते हैं और यही नहीं पक्षी के नाल नाल इन्हां दे कोल जानवर भी पहुँचते हैं कुछ लोग आले दुआले के लोग जड़े ने जिन्हें जानते हैं वो इत्थे तक पहुँचा देंगे ने और उन्हां दी सेवा करते हैं। प्रदीप कुमार जी नाल ने प्रदीप कुमार जी सेवा तुसी करदे पे हो पिछले 50 सालों तो की कहोगे कि इस सेवा दे विच तुहानू की आनंद मिलिया? मन की संतुष्टि है जी अपने कि जिस तरह महाराज ने किसी के मन च पाया हों भी पहले यह काम करना बाकी बाद च करने भावें घर का भी काम होनू छड़ के पहले अपनी जिम्मेवारी समझ के सारे खुआ पिला के फिर वेले हो के घर जाइदा वो अपने मन की एक खुशी है जी कोई बीमार आए उसकी निष्काम सेवा करी दी किसी भावना नहीं करी दी तो उस चीज महाराज आनंद दिंदा वो करी जा रहे हैं। पहले मेरे फादर साहब करते ही पाकिस्तान तो पहलों तो 55 साल मैनू लग गया तो सैकड़े पाले जानवर सैकड़े डाए आ कोई बच्चे डिग पेंदे आलने जो चिड़िया के कबूतर के तोतिया के फिर सेवा करके व्डे करके उड़ाने वाला हो उड़ा दीदा कोई अंगहीन हो रखने वाला पालना चाहिए तो उन्होंने दे दीदा बाकी लालच कोई नहीं है ना कोई भावना रखी है किसी गल की आपे महाराज रोटी पानी सानू दिता इन्हों पाई जाने टाइम पास हो ही जाता। प्रदीप जी पिछले 50 साल तो तुम इस सेवा दे विच लगे हो तुहाडे पिता जी भी ऐसे काम करते सन वह भी सेवा करते सन ये सारा इलाज का जिहड़ा खर्चा है क्योंकि मरम पट्टी जिहड़ी है तुसी लियांदे हो दाना पानी है तुहानू तुसी अपनी जेब चो करदे हो या लोकां दी कोई मदद हुंदी है? अपनी जेब चो ही करी जी किसी वेले कोई लंघदा कोई 10-20-50 फड़ा जाए भी आ दाना पा देना पा दी लिया के बाकी अपनी जेब चो करीदा आप समझीदा कि महाराज पता नहीं इन्हां करके सानू देण डिया अपनी सोच है कि इन्होंने जो कुछ किया अज उन्होंने बदौलत ही महाराज ने बड़ा बूटा लाया ये साडा आनंद आई खुशी है साडा पापा जी ला गया बूटा अगों चलता पिया किसी तरह का जानवर आए अद्धी राती बूआ खड़का के लोग दे देंगे ने उसने वह काम शुरू कर दीदा वह ढिड भर के दवाई दवुई कोई लोड़ हो उसने ला दे के रख दीदा सैकड़े पिंजरे रखे वक्खो वक्ख जिडे कि उन्होंने पाना उस पा के उन्होंने पूरी रेस्ट दे दी दी है। चाइनीज़ डोर चली सी ये दौरान पिछले कुछ सालों तो उस काफ़ी जानवर शिकार होए ने काफ़ी लोगों ने इस दे आवाज़ भी उठाई है तुहाडे कोल भी ये सारे तरह इस तरह के जख्मी हुए जानवर आते रहेंगे क्या वो पॉसिबिलिटी रही है कि उन्होंने ठीक कर पाएंगे पूरी तरह? नहीं चाइनीज़ डोर बहुत कमी डोर है इस तो बंदा फसया नहीं छुटता जानवर ने कि छुटना परसों दरबार साहब कोई कां लिया ही उन्होंने डांग से ला के छुरा वढ़िया उत्तों फिर पता लगा सानू देन आए फिर अभी मलम पट्टी करके पिंजरे च रखिया इस तरह कई तरह के जानवर आते गर्मियों पखे जी बड़े वजदे आ कबूतर वह दे देंगे सर्दियों जो डोर के बड़े केस आते रोज़ एक दो कबूतर कोई कां आ गया कोई डोर का कारण है ये टोर बहुत माड़ी चीज़ आ ये बंद होनी चाहिए टोर ये जो जानवर थोड़े को आ जाते हैं पंछी आ जाते हैं तुम उन्हों की सेवा करते हो जो कि
नकारा हो जाते नहीं अगे जा उड़ सकते नहीं उड़ सकते क्योंकि उन्होंने पार कट्टे जाते हैं या कुछ होर उन्होंने बीमारी हो जाती है वो नहीं जा पाते फिर तुम उन्हों का की करते हो वो साढ़े को रहन गए जी जिनी उन्होंने उम्र है 10 साल हो गए 15 साल हो गए वो साढ़े पूरा कबूतर नाल कबूतर च रेंदे वो गटार है भी इस तरह ही है वह वक्ो वक् उन्होंने पिंजरे बनाए वह जी डाइट पा दी थी उन्होंने कि वह बाहर छड़ा तो बिल्ली कुत्ते ने खा लेना इस करके वह घर का एक जी बन जाता साडा घर का एक परिवार का ही जी हों भी इन रोज़ पाने खवा इस तरह ही उन्होंने नहीं जान दे अपने आप डारी मार जाए उड़ा दी दा तुहाडे कोल एक बड़ा बंदर हैगा जिदे जिदा बांह कट्टी हुई है तुहाडे कोल किस तरह आया सीगा क्योंकि बंदर एक जानवर इहो जिहा हैगा जिहड़े को काफ़ी खतरनाक भी मन्निया जा सकता है और तुसीं उहनूं रख्या असीं बंदर को 40 साल रखण डए आ सानूं इहदे बारे अनुभव चंगा हैगा अगे वाहवा गए साढ़े को 4-5 छड्डे आंदे बाहर इस करके नहीं छड्डिया कि बांह वड्ढी हुई है एक शीतला मंदिर छड गया ही इन्हें आता ही माड़ियाँ फिर उन्होंने रखिया नहीं इनू वो कहें भी उत्थे दे आओ फिर इतने आके पुछन आए भी रख सकते हो इनू अज 20 साल हो गए साढ़े को उदों तो साढ़े को ही आते पटे जख्म हो गया पहले खुला पटा पा के बाहर बन्नी गया ही वो जख्म हो गया उस तो बाद पटा कितना कट उस तो बाद पटा नहीं पवाया तो ये एडे एडे दंद आ बाहर ताद नहीं क्ढ़ी का इन्हें किसी फल लिया ने बंदा मार देना तो साढ़े सिर पै जाना कम ये पिंजरे च खुश है पिंजरे च अपनी जिंदगी यदि पहले 30-25-30 साल उम्र होंगी है तो 22-24 साल का हो गया है तो अपना मौजा लगा वा ठीक ठाक है कोई इन नुक्स नहीं हो प्रदीप जी तुम अपने तुहाडे पिता जी भी सेवा करते सन हुण तुहाडी वारी भी लगी रही है तुम भी सेवा कर रहे हो अगे तुहाडे दो लड़के ने वह भी सेवा निभा रहे ने खास करके तुम सप भी फड़ लेंगे लोगों की मदद करते हो सप फड़न के घर होंगे लोग रात में जिन्हें देखिया उनकी मौत नजर आती है वो फिर सानू बुला के लै जाते फिर अं जाके फड़ के बाहर नहर वाल खुली जगह छड़े आई दा जो 2-3 कट्ठे हो जाते ने वो फिर अं नहर तो छड़े आई दे जगह जिते वह भी सेफ रहे कोई मारे ना उन्हूं वो चंगी तरह जगह वेख के छड़ी दा वा उहदी जान पहलों बची हो इस करके जिन्हें भी सप फड़ी दा सिर्फ लोगों की दहशत करके फड़ते हैं बाकी लालच कोई नहीं भी पैसा नहीं जाना लोग लै जाते भी रात उन्होंने बच्चों ने सौना नहीं तो यही अपना मिनट के फड़ के लिया के उन्हों कुजे रखी दा 1-2 दिन फिर उन बाहर खुली जगह याद कर अपनी मौज लवे जिंदगी दी। प्रदीप जी कोई एंबिशियस कोई एहोजा योजना तुहाडे मन च होई है कि यह चीज़ बनानी है इन्ह जानवरों के लिए पंछियों लिए कोई एहोजी योजना बनाई हो गई या कोई माली मदद करे उस बारे कुछ दसो योजना तो बड़ी वड्डी है जी मन की खाश हैगी है कि भी यहोजा बनाइए जरा इंडिया च ना वह जहाँ बंदा बना बनया हो मंदिर ज कोई यही संस्था और कल्ले ही कर नहीं सकते तो नाल कोई जुड़ता नहीं इस करके ही अपना कर्तव्य इतने करी जन्ने कि जो बाहर बनावे बंदे चाहिए है बड़ा वड्डा जरिया चाहिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए है बाकी योजना तो बहुत वड्डी हैगी कि बंदा जो अपने मन की खाश है बेड़ा का बहुत व्डा बनाइए लोग एडे एडे हॉस्पिटल बने हैं एक लोग नाल जुड़न बगैर भावना तो सेवा करना चाहन लेकिन वो पेश नहीं जाती जो हुक्म होना भोलेनाथ का आपे वह भी पूरा होएगा। प्रदीप जी लास्ट सवाल है कि इस तुसी इस सेवा नू पिछले 50 सालों तो कर रहे हो क्या कभी कोई एनीमल प्रोटेक्शन वाले ने इतराज़ जताया कि तुसी जानवरों को रखा हो अपने कोल या तो उन्होंने कैद करके रखे नहीं जी 1-2 बारी आए उन्होंने आके मौका वेख्या जी फलीयत होंगी पता लग जाता भी ये तनो मनो करने वाले आ नाले आकड़ा व्यापार कर मार के समान बेचते है ये एक सेवा इन्होंने भावना हैगी मन च मलम पट्टी करते उन्होंने खवाते पिलाते सारे मैं कि मैंने पता है कड़ी चीज़ किसी को चुप्पी थोड़ा होंगी है तो उन्होंने पता भी इंजर्ड आते उन्होंने सेवा ही करते हैं तो उन्होंने जिंदगी बचा के रखते बस हो रही कोई माड़ा कर्म तो करते कोई नहीं ब्राह्मण आदमी यही ये शुरू तो महाराज ने ड्यूटी लाई हुई है किसी हक भी जाइए बड़ा पर बीमार भी हो जाता फिर भी करना पैंता कि जिम्मेवारी भुखा ना रहे इस करके अपनी
जान ना ज्यादा प्यार करी देना। हबीब जी इस गल तो गल याद आई है कि लॉकडाउन लगा सीगा पिछे बड़ा सख्ती सी बड़ा घरों निकलना भी तो पॉसीबल नहीं सी हो रहा उदो इन्हों जानवरों की रख्या या उन्होंने देखभाल किए कर क्योंकि ये जानवर थोड़े इस कारोबारी जगह के उत्ते ने जी सवेरे 4 बजे उठी दा ही 5 बजे गलिया गुलिया निकल के आ गए इतने पौड़ी ला देना दाना पानी पाई दा ही डर भी लगा रहा ही कोई पुलिस वाले कुटन फिर भी अपना काम करके 6 बजे वापस हो जाइए इतों नाले दो चार चार जानवर घर लै जाइए कभी कुकड़ चकोर बंदर तो ले जा नहीं सकते कि पटा नहीं पै सकता बाकी नेक तरह के जानवर से घर लै गए फिर अं उन्होंने घर अजे भी घर रखे जो मौसम ठीक आएगा फिर हौली हौली इतने लै आवेंगे नाले जो माहौल ठीक हो जाए डर लगा रहा कि अंदर रह गए तो मर जाएंगे भुखे वो फिर इस करके अं घर रखे बहुते जानवर इतने 2-3 तरह के है तो उन्हें सवेरे उठी जा रात 11-12 बजे पा के सवाई दा तो हौली हौली मौसम ठीक हो जाएगा फिर इतने रखने बाकी अं चाहे कि सानू पासपूस गौरमेंट वाला इशू हो भी किसी ने भी यह जी स्थिति आए तो साढ़ा वो हल हो जाए कम। शुक्रिया प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस सन प्रदीप कुमार जेडे कि खुद ट्रंक का रिपेयर का ट्रंक नवे बनाते हैं होर जो काम है वह करते हैं पर इन्हों का यह जज्बा है कि जेडे जानवर पंछी इन्होंने कोल पहुँचते हैं बेसहारा बेजुबान ने किसी हादसाग्रस्त हो जाते हैं उन्हों का इलाज करते हैं उसनों पूरी तरह इलाज करके उड़ा देंगे ने कुछ जानवर कुछ पंछी जेडे कि उड़ नहीं सकते या इन्हों को जा नहीं सकते अपने कोल रखते हैं उन्होंने बच्चों तो वध परवरिश करते पे ने उन्होंने दाना पाते हैं लॉकडाउन दौरान इन्होंने उस उन्होंने जानवरों की उन्होंने पंछियों की तिमारदारी की है सवेरे 4 बजे भी आके उन्होंने दाना पाया है रिस्क लैके दाना पाया है ता जो अपनी जिंदगी जी सकन उन्होंने रख सकन इन्हों की यह भी उम्मीद है कि कोई इन्हों यहोजा हस्पताल बनाना जिहड़ा कि अपने आप च एक नमूना बने जिथे बेसहारा बेजुबान और अंगहीन जानवरों का इलाज किया जाए पंछी उत्थे रह सकन ते असी भी उम्मीद करते हैं दैनिक सवेरा भी इन्हां दे जज्बे नूं सलाम करती है यह भी उम्मीद करते हैं कि इन्हां दा जिहड़ा सुपना है वह पूरा हो सके। कैमरा परसन विपन दे नाल ज्योति बहल दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर।